कक्षा 3 की पंखुड़ी नामक पुस्तक में आज का पाठ है 4। पाठ का नाम है तालाब में चांद। चांद आप लोगों ने देखा है? हाँ, चांद कहाँ होता है? आसमान में। कब दिखाई देता है? हाँ, और दिन में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता चांद? दिखाई देता है कभी कभी, कभी कभी दिखाई देता है। तो यहाँ तालाब में चांद यह पाठ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए चित्र में 3 बंदर एक पेड़ में बैठे हुए हैं और ऊपर चांद निकला हुआ है, ठीक है। और चांद की परछाई नीचे जो है तालाब में दिख रही है, तो बंदर क्या कर रहे हैं हम लोग ध्यान से सुनेंगे। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा, उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। बंदर जब तालाब में चांद देखे, चांद का परछाई देखे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग चांद को पकड़ेंगे। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। तीनों बंदर आपस में बात कर रहे हैं। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा। देखिए चित्र में एक बंदर ऊपर से पेड़ पर से नीचे पानी में कूद गया, किसको पकड़ने के लिए? चांद को पकड़ने के लिए, चांद की परछाई को पकड़ने के लिए पानी में वह कूद गया। पर चांद हाथ नहीं आया, चांद हाथ नहीं आया। चांद उसके हाथ में क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि वह चांद की परछाई थी जो पानी में दिख रही थी। अरे कहाँ गायब हो गया चांद? अरे कहाँ गायब हो गया चांद? बंदर बार बार इधर उधर ढूंढने लगा। लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला कि लगता है चांद मेरे कूदने से डर गया, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, पकड़ में नहीं आया। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। अब देखिए तीनों ने क्या योजना बनाई कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके लटक जाएंगे, जैसे यहां लटके हुए हैं, और धीरे से चांद को पकड़ लेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये इस चित्र में देखिए दिखाई दे रहा है क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। अचानक डाल टूटी, एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। भागो रे, एक बंदर बोला। देखिए यहां पर ये हाथ छूट गया बंदर का और ये तीनों छपाक से जो है कहां गिर गए? हाँ, मगरमच्छ के पीठ पर गिर गए। और एक बंदर क्या बोला, भागो रे, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। मगरमच्छ बोला, मगरमच्छ ने क्या बोला, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। बंदर बोले मगर अगर उसके आगे क्या हो सकता है? हाँ, बंदर बोले होंगे कि मगर अगर तुम हमको खा जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, चलिए हमने आप लोगों को एक दिन संज्ञा बताया था। संज्ञा क्या होता है? हाँ, किसी भी चीज का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें संज्ञा आया है? हाँ, कौन कौन सा संज्ञा आया है? एक मिनट, आप बताएंगे पीछे से। हाँ 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 हाँ, मगरमच्छ, हाँ हाँ, ठीक है, यही सब संज्ञा इसमें आए हुए। रिद्धिमा बताइए। बंदर आया है, हाँ, तालाब आया है, हाँ, चांद आया है, हाँ, आया है, हाँ, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अब हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका उत्तर आपको देना है। बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा? हाँ सनी बनाइए, बताइए। सनी
हाँ चांद उन लोगों को अच्छा लगा। हाँ रिद्धिमा बताइए, बैठ जाइए। हाँ चांद जमीन पर नदी में नीचे पानी में दिख रहा था, तो उनको लगा कि चांद नीचे आ गया है, चलिए हम चांद को पकड़ लेते हैं। अच्छा चांद को बेच के अमीर बनने के लिए सोचा, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि चांद नीचे नदी के पानी में दिख रहा था इसलिए उसको पकड़ने के लिए इन लोगों ने सोचा। दूसरा प्रश्न, चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या योजना बनाई, सोनी बताएंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तालाब में चांद था या कुछ और, वो बताएंगे। हाँ आप बताइए शिव पूजन, तालाब में चांद था या कुछ और था? चांद था। हाँ चांद की परछाई थी। अब यहाँ है कहानी को आगे बढ़ाओ, ये तो आप लोग पढ़ा चुके हैं, बैठ जाइए। बंदर बोले मगर अगर, उसके आगे कहानी बढ़ाइए। हाँ शिवम, बंदर बोले मगर अगर, क्यों मगर अगर बोले? हाँ हाँ, अगर तुम खा जाओगे तब क्या होगा, तब तो हम लोग फंस जाएंगे। चलिए बैठ जाइए, अब इसको घर पे जाके करना है। एक बड़ी थाली में या परात में पानी भर लेना है, पानी भरने के बाद उस पानी में देखना है कि क्या दिख रहा है, ठीक है? ये घर पर आप लोग देखिएगा कि कैसा दिख रहा है, उसी तरह से जैसे तालाब में दिख रहा था चांद ना, वैसे ही ऊपर की चीजें उस पानी में दिखेंगी। हाँ बिल्कुल दिखेगा, घर में अगर पानी रख के रहेंगे तो घर के अंदर जो चीज होगा वो दिखेगा ऊपर का। अच्छा बंदरों ने चांद को पकड़ने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आप कुछ ऐसे खेल खेलते होंगे जिनमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है, उन खेलों के नाम बताइए। हाँ बताइए। चटनी चटाई, हाँ, और बुढ़िया माई, और हाँ चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अब क्या करना है, एक चित्र कथा बनाना है जिसमें बिल्ली चूहा तोता और आम हो। एक चित्र कथा बनाएंगे, यानी कि अलग अलग पन्ने पे बहुत सारे चित्र बनाएंगे और उसमें हम किस किन किन को रखेंगे, बिल्ली चूहा तोता और आम, इसको रख करके एक चित्र कथा हम बनाएंगे। कमिंग। हाँ चलिए वो हम सिखा देंगे आप लोगों को कैसे बनाना, ठीक है? चलिए ठीक है, कल बना के आइएगा। जीतू ने, कमिंग, आगे देखिए। जीतू ने मेले में देखा अजब गजब तमाशा, ध्यान से सुनिए। जीतू ने मेले में देखा अजब गजब तमाशा, शीशे में जीतू कहीं दुबला कहीं मोटा, कहीं लंबा कहीं छोटा, खूब हंसा जीतू। एक शीशे में जीतू ने अपने आप को देखा, कहीं वो मोटा दिख रहा था कहीं पतला दिख रहा था, कहीं मोटा दिख रहा था कहीं पतला दिख रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ऐसा कैसे, जीतू बोला, क्योंकि शीशे वैसे हैं, जिया बोली। शीशा जैसा रहेगा उसी तरह से आप लोगों का चित्र भी उस शीशे में दिखाई देगा। आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी के में जो शीशा लगा होता है उसमें देखेंगे तो दूसरे तरह से आप दिखेंगे, घर में जो शीशा होता है उसमें देखेंगे दूसरे तरह से दिखेंगे, जिस तरह से शीशा होता है उसी तरह से आपका चित्र भी उसमें दिखाई देता है, ठीक है? अब इस कहानी को आप लोग, सबको याद हो गया होगा, हाँ, आप लोग अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं और सुना सकते हैं, ठीक है? कोई सुनाएगा? चलिए, इसका मतलब कि आपको याद है। आज के लिए बस इतना ही।